करके आप गुजर कम्युनिटी को कॉन्फ्रेंस में लेके उनको समझाइए कि किस तरह उनका जो क्लेम है और उनकी जो उनका जो शेयर है वो आप किस तरह महफूज रखेंगे, उसको किस तरह बचा के रखेंगे, बताइए, ताकि जो खर्शात हैं वो खर्शात जो है वो दूर हो जाए। प्राइम मिनिस्टर ने लोकसभा में अपने बयान के दौरान एक बार फिर 370 का जिक्र करते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार 370 का टारगेट जो है वो चेस करेगी लोकसभा के चुनाव में, किस तरीके से देखते सर आप कुछ क्या देखते हैं? हर कोई टारगेट रखता है, 370 के उससे ज्यादा रखना चाहिए, क्योंकि 370 का ही टारगेट उन्होंने रखा है, तो क्या बड़ी बात है ना, 370 भी एक नंबर ही है अमर साहब, 370 भी एक नंबर है, मैं तो कहता हूँ और ज्यादा रखना चाहिए, 500 क्या देते, 370 कम है ना, अब 10 साल उन्होंने इतना सारा कुछ कर कर आके मंदिर भी किया सारा किया, तो सिर्फ 370 सीटें हैं, ये भी 500 सीटें हैं, देखें कहां खड़े हैं। सर चुनाव होने वाले हैं पार्लियामेंट के, उसको लेकर संशय बना हुआ है कि किस तरह से जो है सीट शेयरिंग जो इंडी लाइन की बात की जाए वहां होगा, और उसके साथ साथ असेंबली चुनाव जो है उसकी भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बाद माना जा रहा है कि यहां होंगे, उसके लिए क्या देखते हैं आप? सीट शेयरिंग की अभी कोई बात हुई नहीं है, बातचीत करने के लिए कांग्रेस तैयार है, वो चाहती है कि हम उनसे बात करें और जरूर कुछ दिनों में बैठ के उनसे मशवरा किया जाएगा, खासकर उन 3 सीटों के लेके जो फिलहाल बीजेपी के पास हैं। जब मैं पुरानी जम्मू कश्मीर की बात करता हूं तो मैं लद्दाख को भी उसमें शामिल करता हूं, लद्दाख जम्मू उधमपुर ये 3 सीटें हैं जो ट्रेडिशनली नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी इन सीटों पर मुकाबला किया है, और अगर आप देखें तो जम्मू की सीट भी एक बार हम जीते हैं और लद्दाख से भी हमारा मेंबर पार्लियामेंट जीत के गया है एक से ज्यादा बार, तो बैठेंगे उनसे मशवरा करेंगे और देखेंगे कि कौन सा हमें ऐसा फॉर्मूला इख्तियार करना चाहिए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा हम बीजेपी से ये सीटें जो हैं छीनने का काम कर सकते हैं। आपने कहा कि जो सीटें बीजेपी के पास हैं उनको लेकर अलायंस पर बातचीत होगी, क्या ये माना जाए कि जो सीटें आपने जीती हैं उन पर कोई बात नहीं? मैंने पहले ही कहा था जो हमारी सीटें हैं वो तो पहले इंडिया अलायंस की सीटें हैं, उन पर क्या बात करनी है मुझे इंडिया अलायंस से, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास ही रहेंगे, दे आर इंडिया अलायंस सीट्स, दे आर इंडिया अलायंस सीट्स, द फाइट इज नॉट विद इन इंडिया अलायंस, द फाइट इज टू टेक सीट्स बैक फ्रॉम द बीजेपी, सो सिंस ऑलरेडी 3 सीट्स आर विद द इंडिया अलायंस, आई डोंट नीड टू डिस्कस दोज विद द इंडिया अलायंस, आई नीड टू डिस्कस द सीट्स, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग मोर। तो लार्जर इंटरेस्ट में अगर लार्जर इंटरेस्ट की आप क्यों चिंता कर रहे हैं आप? मैंने आपसे पहले ही कहा कि 3 सीटें इंडिया अलायंस के पास पहले हैं, ये इंडिया अलायंस की पहली सीटें हैं, मैं इंडिया अलायंस पे अपनी सीटों के बारे में बात क्यों करूं? मुझे ये बताइए ना, किसी और रियासत में आप बात कर रहे हैं जो सीटें पहले से इंडिया अलायंस के पास हैं, आप जाके करिए उनसे, हमारे पास पहले ही इंडिया अलायंस के पास जम्मू कश्मीर लद्दाख को जोड़ के 3 सीटें हैं, उनको छोड़ के जो बीजेपी के पास 3 सीटें हैं उन पे हम बात करेंगे। उमर साहब विधानसभा चुनाव भी होने के कहीं ना कहीं बीजेपी की हिम्मत नहीं है ना विधानसभा चुनाव करने की, सारा कुछ कर करा के भी वो लोगों का सामना नहीं कर सकते, 370 भी हटाया, डिलिमिटेशन भी की, अपनी मर्जी के मुताबिक उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बाउंड्रीज खींचे, उसके बाद सारे कानून बदलाए ताकि उनको उसका फायदा हो, रिजर्वेशन का सिलसिला भी उन्होंने चेंज किया ताकि उसका फायदा मिले, मंदिर भी, मोदी भी, मनी या तो पैसा भी, इन सब चीजों के बावजूद बीजेपी की आज भी हिम्मत नहीं है कि वो ये कहें कि पार्लियामेंट और असेंबली के इलेक्शन जो है एक साथ हों, वो लोगों का सामना नहीं कर सकते ना, उनकी हिम्मत नहीं है। बीजेपी कह रही है कि जो जम्मू कश्मीर में बदलाव आया है, टेररिज्म कम हुआ, पत्थरबाजी नहीं हो रही, वो मुख्य मुद्दे हैं जिसको लेकर बीजेपी कहीं ना कहीं देश भर में चुनावों में फायदा लेगी, आपको क्या लगता है ग्राउंड? रजौरी पुंछ का हाल तो आज आपको दिख रहा है, मुझे वहां जाने नहीं दिया, अगर वहां के हालात इतने ठीक है तो फिर मेरे प्रोग्राम पे रोक क्यों? कहीं ना कहीं तो उनके कहने में और करने में फर्क है, और पिछले दिनों क्या हमले नहीं हुए पुंछ रजौरी में? मुझे अपनी हुकूमत के दौरान याद नहीं है इस तरह के हमले जिस तरह आज हमले हैं, हमें आज देखने को मिला, कितने हमारे बहादुर फौजी जो हैं उन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं इस रजौरी पुंछ बेल्ट में पिछले एक साल में,
से आपको लगता है कि आतंकवाद कम हुआ है? कश्मीर में भी किस तरह चुन चुन के माइनॉरिटीज को टारगेट किया गया पिछले एक दो साल में, लगता है ये मिलिटेंसी कम हुई है? हमें तो नहीं लगता। जहां तक क्या इश्यूज लेके ये मुल्क में जाएंगे, ले जाएंगे। बट कश्मीर में जो बदलाव आया है, पत्थरबाजी हुई है, डेवलपमेंट हुई है, बीजेपी क्लेम करे, आप कैसे? हमारे दौर में भी पथराव कम हुआ, हमारे दौर में भी आप देखें 2010 का साल खराब रहा, लेकिन उसके बाद 2011, 12, 13 कितने शानदार साल रहे। टूरिज्म का कोई मतलब इतना उसमें बेहतरी आई कि आज भी लोग उसको याद करते हैं। इनसे पूछता हूँ, आप बताएं अगर इतने साल जो बेहतरी की बात करते हैं, जमीन पर तो उसका कोई हमें असर दिखा है? क्या बिजली में बेहतरी आई? क्या पानी के सप्लाई में बेहतरी आई? क्या लोगों के रोजगार के सिलसिले में बेहतरी आई? क्या हमारा सेहत का निजाम बदला? क्या स्कूलों में